कैलाश की दक्षिणी ओर ढेर सारी घटनाएं या स्थितियां घटित हुई। तमाम तरह के लोगों को शिव से बेहतरीन चीजें मिली। दुनिया ये राय बना सकती है कि ये लोग इसके लायक नहीं थे, मगर शिव ने खुद कभी ऐसी राय नहीं बनाई। जब उन्होंने मांगा, शिव ने दिया। आप सब भस्मासुर के बारे में जानते हैं? वो एक योगी था जिसने आकर शिव से मांगा कि उसे ऐसी शक्ति चाहिए कि वो जिसे भी छुए वो भस्म हो जाए। शिव ने कहा तथास्तु। फिर वो शिव के ही सिर पर हाथ रखना चाहता था। वो शिव के ऊपर आजमाना चाहता था कि ये वरदान कारगर है या नहीं। तो शिव उठकर भागने लगे और फिर हमेशा की तरह उन्होंने विष्णु की सलाह ली कि अब क्या करें। विष्णु ने कहा रुकिए, और उन्होंने मोहिनी या बहुत सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। फिर वो आकर भस्मासुर के सामने नाचने लगे। भस्मासुर शिव को भूलकर इस स्त्री के पीछे भागा। वो बोली तुम्हें मेरी तरह नाचना होगा, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। वो बोला ठीक है। मोहिनी ने ऐसे 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 किया, ऐसे 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 ऐसे, और फिर उसने ऐसे किया तो उसने भी ऐसा किया और भस्म हो गया। शिव को हमेशा बहुत शक्तिशाली देव के रूप में देखा जाता है, साथ ही उन्हें दुनियादारी में ज्यादा चतुर नहीं माना जाता है। इसलिए शिव के एक रूप को भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वो बच्चों की तरह है। ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख है, मगर वो छोटे मोटे तरीकों से बुद्धि का प्रयोग करने की परवाह नहीं करते। सिर्फ चतुर और घटिया स्तर की बुद्धि लगातार ये सोचती है कि किसी को हराया कैसे जाए। बुद्धि और चालाकी भरी धूर्तता दो अलग अलग चीजें हैं। Being smart is always in comparison with somebody else. कोई स्मार्ट हमेशा किसी और की तुलना में होता है। बुद्धिमान होना किसी और की तुलना में नहीं होता, ये अपनी प्रकृति से होता है। इसलिए बुद्धिमानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धिमानी कभी तुलना में नहीं होती, वो बस जीवन की एक अभिव्यक्ति है।